આવી રહ્યા છે। રોજગાર મેળામાં પીએમ મોદી પહોંચ્યા છે અને આ રોજગાર મેળાનું વર્ચ્યુઅલ સંબોધન કરવામાં આવી રહ્યું છે પીએમ દ્વારા। हर छोटी चीज से सीखने का प्रयास करता हूं और उसका कारण आज मुझे एक साथ अनेक काम करने का मुझे कभी संकोच नहीं होता है, झिझक नहीं होती है, कर पाता हूं। आप भी कर सकते हैं और इसलिए ये जो नया विषय प्रारंभ हुआ है कर्मयोगी आरंभ का, मैं आपसे चाहूंगा दोस्तों कि आप उससे जुड़िए। क्या आप एक महीने के बाद मुझे आपका इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्या अनुभव रहा, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको क्या कमी लग रही है, इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, आप स्वयं भी उस कर्मयोगी ट्रेनिंग को अपग्रेड करने में कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या, मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगा। देखिए, हम सब एक साथी हैं, एक कलीग है, हम को ट्रैवलर है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक राह पर हम चल पड़े हैं। आइए, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ हम सब आगे बढ़ने का संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार मेला में पीएम मोदी द्वारा संबोधन करवामां आव्युं, युवाओं ने नौकरी ना पत्र पण सोंपवामां आव्या छे। 71,000 उम्मीदवारों से कि जेने अपॉइंटमेंट लेटर आपवामां आव्यो अने 45% ने रोजगार मेला नुं आज रोज आयोजन करवामां आव्युं छे। नव नियुक्त जे तमाम उम्मीदवारों छे पीएम मोदी तेमणे जे लेटर छे ते पण आप्या हता, जो कि वीडियो कॉन्फरन्सिंग द्वारा निमणूक पत्र छे आपवामां आव्या छे। रोजगार मेळानी वात करीए तो खास बीजा तबक्कामां पोर्ट ब्लेर होय, विशाखापट्टनम, ईटानगर, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, नवी दिल्ली, पणजी, गुरुग्राम, आ तमाम जे शहरो छे अने त्यां आगळ सरकारी नोकरी छे युवाओने मळशे अने तेना माटे तेमने नियुक्ति पत्र छे आ रोजगार मेळामां सोंपवामां आवशे ने